नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजेंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहुंचा नशा मुक्ति का अमृत कलश। बक्सी का तालाब की देवरी रुखाड़ा स्थित राजेंद्र नर्सिंग कॉलेज में 415 विद्यार्थी एवं फैकल्टी मेंबर्स को आजीवन नशा मुक्त रहने का संकल्प करवाया गया। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का तहत आज शनिवार को राजेंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग देवरी रुखड़ा बक्सी का तालाब लखनऊ के 415 स्टूडेंट्स एवं फैकल्टी मेंबर्स को जीवन पर्यंत नशा ना करने का संकल्प कराया गया। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के बीकेटी इंचार्ज नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान आज नशा मुक्ति का अमृत कलश लेकर राजधानी लखनऊ के विकास खंड बक्सी का तालाब में स्थित राजेंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहुंचे। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को इस देशव्यापी अभियान के बारे में अवगत कराया। नशा मुक्त सेनानी श्री चौहान ने बच्चों से कहा कि आप सब जीवन पर्यंत अपनी मित्रता को नशा मुक्त रखना, क्योंकि मित्र मंडली में ही नशे का रावण छुपा होता है। वहीं आपको बरगला कर पहली बार कोई नशा कराएगा, फिर आप उस नशे के लती हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, गुटखा तंबाकू खैनी की पहली चुटकी से, गांजा चरस बीड़ी सिगरेट की पहली फूंक से और बियर दारू की पहली घूंट से जिंदगी भर दूर रहना। गौरतलब है कि नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के जिला प्रभारी अनिल कुमार अग्रवाल जी की टीम लखनऊ जिले में पिछले 4 महीने नशा मुक्ति का अमृत कलश लेकर भ्रमण कर रही है। यह टीम नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान की अगुवाई में जगह जगह नशा मुक्त संकल्प सभा और नशा मुक्त चौपाल करती है। इस नशा मुक्त संकल्प सभा में राजेंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य शालिनी सिंह, यूसुफ सिद्दीकी, अंकिता जैकब, मनीषा शर्मा, शारिका तिवारी, आकांक्षा सहित जिला प्रभारी अनिल कुमार अग्रवाल जी के सहयोगी अभिषेक अवस्थी व नशा मुक्त सेनानी अनुपम शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। और बहुत ही वेदना और पीड़ा से निकला। कैसे, जहां पे आप खड़े हैं ये मोहन लालगंज संसदीय क्षेत्र है। पहले लखनऊ संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, लखनऊ का हिस्सा हुआ करता था और यहां प्रंत थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, यहां के सांसद हुआ करते थे, यहां पे आप खड़े हैं। लेकिन अब ये सुरक्षित क्षेत्र में चला गया मोहन लालगंज और यहां के सांसद हैं श्री कौशल किशोर जी, जो भारत सरकार में मंत्री और उनकी पत्नी श्रीमती जयदेवी कौशल मलिहाबाद की विधायक है। इसे 8-9 साल से, ये भी 8-9 साल से इनका ऊपर से दूसरे नंबर का बेटा, नंदा बेटा, नाम आकाश किशोर, उम्र 28 साल। आज से 2 साल पहले 16 अक्टूबर को दोपहर में उसको खून की उठी होती अचानक और परिवार के लोग लाभ भाग के उसको लेकर भागते कहा लखनऊ मेडिकल कॉलेज। कहा आप बताओ, जिस बच्चे का पिता भारत सरकार में मंत्री हो, जिस बच्चे की मां मलिहाबाद की विधायक हो, क्या उस बच्चे के इलाज में कोई कोर कसर रहेगी? अच्छा ये बोलो ना। लेकिन वो बचाया नहीं जा सका। 28 साल का आकाश किशोर इसी मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ देता है और आकाश किशोर के दम तोड़ने से क्या होता है, 23 साल की श्वेता विधवा हो जाती है। कितने साल की? 23 साल। बच्चों आप सच सच बताओ, आज हमारे समाज में लड़कियों की शादी, तमाम लड़कियां, हजारों हजार लड़कियां हैं जिनकी शादी 28-30 में होती है, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड हो रही है, जॉब ढूंढ रही है, पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, वो जमाना चले गए। लेकिन यहां क्या हुआ, 23 साल की उम्र में श्वेता चांदी की चूड़ी और सफेद साड़ी पहन लेती है। और उसकी गोद में कौन होता है, 6 महीने का बच्चा। क्या होता है, अब आप कल्पना करिए कि दर्द की इंतहा कितनी है कि 28 साल का लड़का एक खून की उल्टी करके दम तोड़ देता है, 23 साल की श्वेता उससे विधवा हो जाती है और विधवा की गोद में 6 महीने का बच्चा होता है और उस 28 साल के युवक का बाप एक जवान बेटे की अर्थी लेकर शमशान की तरफ बढ़ रहा है और चिता पर उसका बेटा लेटा हुआ है और उसको मुकाम दे रहा है। इस धरती पर हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसका अंतिम संस्कार करे। क्या कहता, कोई ऐसा बाप होगा?
खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।